रीवा शहर के बिछिया इलाके में इन दिनों नशे की खुलेआम बिक्री हो रही है। यहां नशे का कारोबारी गांजा कोरिक्स की न सिर्फ खुलेआम बिक्री कर रहा है बल्कि इलाके में अपनी दहशत भी फैला रखा है जो विरोध करने वालों को धमकी भी देता है। फिलहाल खुलेआम चल रहे इस नशे के कारोबार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है जिसमें खुलेआम नशे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। दरअसल यह वीडियो बिछिया नदी चौराहे से लक्ष्मण बाग की ओर जाने वाले मार्ग का है जहां औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कब्जा कर गोलू खान नाम का तस्कर नशे का कारोबार संचालित कर रहा है। बता दें कि जिस जगह पर नशे का कारोबार हो रहा है वहां पर दो धार्मिक स्थल हैं, जिसमें एक बादशाही मस्जिद और दरगाह है तो वहीं देश का प्रसिद्ध लक्ष्मण बाग मंदिर भी है। बावजूद इसके यहां खुलेआम नशे का सामान बेचा जा रहा है। हालांकि इस अवैध कारोबार को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध भी किया जाता है लेकिन नशा कारोबारी गोलो पुलिस को अपनी जेब में रखने की बात कहकर लोगों को देख लेने की धमकी देता है। फिलहाल यह वायरल वीडियो न सिर्फ नशे के कारोबार की पोल खोल रहा है बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस खुलेआम संचालित हो रहे नशे के इस कारोबार को बंद करा पाती है या फिर यह कारोबार यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा।